सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। कार्यकर्ता भीम आर्मी का जो कैडराइज है और इतनी मेहनत करता है कि आज हम लोग पूरे देश में स्थापित है और देश में नहीं विदेश में भीम आर्मी कार्यकर्ता संगठन के लिए काम कर रहे हैं। और रही मैं दूसरी पार्टियों से बताना चाहता हूं, जो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को बोलते हैं कि हमारी वोट काट रहे ये है, हम तो किसी की वोट काटने नहीं आए हैं, हम तो साहब काशीराम जी का मिशन आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। हमारी लड़ाई खुद से है, हमारा संघर्ष खुद से है और हम जो है इतना संघर्ष करेंगे कि हम लोग जो है 2024 में जो नगीना चुनाव हम लड़ रहे हैं, ये आप देखना 4 जून को कि रिजल्ट आप कैसे होंगे, ऐतिहासिक रिजल्ट नगीना से होंगे। गलत तरीका, घोटालेबाजी, सारी चीज़ें इतने समय से वो करते आ रहे हैं, भाजपा गलत तरीके से जीत रही है। अदर पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी कार्य करते हैं, करते भी नहीं है, इतना तो हमारा एक बूथ अध्यक्ष काम कर देता है। जो आत्मसम्मान है, बड़े भाई जो हमारी माँ बहन है उनकी जो भी शोषण होता है वो लड़ते हैं, तो हमारा अगर 100 रुपये भी चले गए तो हमें से कोई दिक्कत नहीं है। 4 आदमी के सामने खड़े होकर हम बोल नहीं सकते थे, लेकिन आज एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इतना कुछ सिखा दिया है कि आज अगर हम 100 लोगों के, 200 के, 1000 के लोगों के बीच में भी अगर बोलेंगे तो वहाँ भी हम खड़े होकर बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। कर्नाटका, बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, सब जगह से आए प्रचार करने के लिए। ठीक है, जनसंपर्क कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, तो सबके मुख से केवल एक ही आवाज़ निकलती है, या कोई भी पार्टी का आ जाए हम तो केवल सिर्फ और सिर्फ भाई चंद्रशेखर को ही वोट देंगे। सीसीए में आपका स्वागत है। जहां एक तरफ अक्सर आज के दौर में हिंदुस्तान की राजनीति की जब बात होती है तो उसकी अक्सर निंदा ये होती है कि धन बल का आज एक बहुत बड़े तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। 14,000 करोड़ एक ही पार्टी को अभी पता चला है इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों के हेलीकॉप्टर्स में बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, बल्कि 2014 के चुनाव में अदानी के ही हेलीकॉप्टर में कई जगह प्रधानमंत्री जी प्रचार के लिए जा रहे थे और लगता था कि शायद चुनाव जो है अब पूरी तरह से इसी धन बल पर ही आके पूरी तरह से सिमट चुका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहां जन आंदोलन बड़े बड़े हुए हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो एक तरफ बड़े बड़े दलित आंदोलन हुए, वहीं उसके बाद बहुत बड़ा एक किसान आंदोलन हुआ, जहां पर लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने ही वहां के कार्यकर्ताओं ने, आम जनता ने आकर इतने बड़े का आंदोलन खड़े किए। और आज वही जनता, आम जनता, वही अपने श्रम से, अपने मेहनत से, बल्कि अपने नेता से पैसा नहीं मांग रहे हैं, अपने पार्टी से पैसा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अपनी ही मेहनत और अपना ही पैसा यहाँ पर आके अपने उस आंदोलन के लिए और साथ में अपने उस लीडर के लिए यहाँ पर आके प्रचार कर रहे हैं। दो किस्म की राजनीतियाँ भारत में खड़ी हो रही है, एक जो धन बल पर और एक जहाँ पर लोग, आम जनता आके उस राजनीति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जहाँ धन तो इतना नहीं होगा लेकिन कार्यकर्ता, आम जनता, वॉलंटियर, वो सब आके एक पार्टी को या उस नेता को बना रहे हैं। हम अभी नगीना सीट पर हैं, बिजनौर ज़िले की, और नगीना सीट पर जहाँ पहले उम्मीद कर रहे थे कि सपा और आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन हो जाएगा, कई कारणों से वो गठबंधन नहीं हो पाया और आज आज़ाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर रावण यहाँ के उम्मीदवार हैं नगीना से, और बहुत सारे देश के कई अलग अलग कोनों से नौजवान यहाँ पर उनके संगठन से, यहाँ पर खुद अपने मेहनत, अपनी श्रम से, अपना श्रम देने इस चुनाव में आए हुए हैं। आइए उन नौजवानों से बात करते हैं जो यहाँ पर नगीना अपना घर बार छोड़ के दो दो महीनों से यहाँ पर प्रचार में लगे हुए हैं। जी, सबसे पहले तो भीम आर्मी के ही एक बहुत ही वरिष्ठ इनके लीडर नेता कमल सिंह वालिया सहारनपुर से। कमल जी, एक बार फिर से सीसीए में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद नकुल भाई। ये बताएं कि आप लोग शब्बीरपुर में जो हमला हुआ था, एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी और उसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था भीम आर्मी का, जिसके बाद आप खुद भी जेल गए थे, काफ़ी लंबे अरसे के लिए जेल रहे, और आज वहाँ से वो सफ़र तय, क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि वो पूरा सफ़र हमने भी बहुत करीबी से देखा है, वहाँ से होते होते आज नगीना के चुनाव के लिए, चंद्रशेखर भाई के लिए प्रचार के लिए आप सब लोग आए हैं। हम भी जो नगीना में घूमे हैं तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं असपा और भाजपा के ही बीच में चुनाव है, बाकी पार्टियाँ काफ़ी पीछे रह चुकी हैं।
कैसा आपको अभी तक चुनाव का रिस्पांस मिल रहा है, और ये जो पूरा सफ़र अगर हम याद करें उन दिनों से अब तक, कैसा लगता है कि आज यहाँ तक आ चुके हैं? देखिए, इस पूरे सफ़र में जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता है, पूरा श्रेय उनको मैं उनको दूंगा, क्योंकि कार्यकर्ता भीम आर्मी का जो कैडराइज है और इतनी मेहनत करता है कि आज हम लोग पूरे देश में स्थापित है, और देश में नहीं विदेश में भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता संगठन के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आज बिजनौर से एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ की जनता का जो प्यार हमें मिल रहा है, जो आशीर्वाद हमें मिल रहा है, वो शायद किसी को नहीं मिल रहा है। और आप देख सकते हैं हमारी लड़ाई खुद से है, हमारा संघर्ष खुद से है, और हम जो है इतना संघर्ष करेंगे कि हम लोग जो है 2024 में जो नगीना चुनाव हम लड़ रहे हैं, ये आप देखना 4 जून को कि रिजल्ट आप कैसे होंगे, ऐतिहासिक रिजल्ट नगीना से होंगे। कई बार लगता था कि भीम आर्मी साथी जब जेल जा रहे थे, भीम आर्मी के आपके आप लोग भी जा रहे थे, कभी आपने सोचा था कि संगठन यहाँ तक पहुँचेगा कि आज नगीना में हम चुनाव भी लड़ पाएंगे लोकसभा का? और शायद जैसे मैंने कहा कि आज जो हम जो ग्राउंड पर गए हैं तो लग रहा है कि यहाँ कोई और पार्टी नहीं है, अस्पा और भाजपा के ही बीच में जो चुनाव है वो है। बिल्कुल लगता था। देखिए, हर आदमी की पहचान उसकी कार्यशैली होती है, और भीम आर्मी के कार्यकर्ता की शैली ने अपने आप को हर वक्त साबित किया है, उन्होंने दिखाया है। जब वो लोग बैठ गए, जब वो नेता वो दल बैठ गए, जिन दलों को बहुजन समाज अपना रहबर मानता था, जिन दलों को ये अपना नेता मानता था, जिन पार्टी के नेता को समाज अपना नेता मानता, वो नेता उस वक्त चुप हो गए जब इस समाज पर पूरी तरह अत्याचार हो रहा था। लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इस बहुजन समाज को एक नई उम्मीद दिखाई, और पूरे देश में अगर आज बहुजन समाज किस पर उम्मीद करता है तो वह एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता। आगे दीपक बौद्ध भी हमारे साथ हैं, देवबंद से सहारनपुर के। दीपक भाई, आप भी जेल गए थे उस मुश्किल घड़ी में, काफ़ी कुछ आप लोगों को भी प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। ये सफ़र जो रहा है, आपने कभी उम्मीद करी थी कि आज आप लोग यहाँ पर कुछ साल बाद नगीना में बैठ के इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे चुनाव में? उम्मीद की तो ये बात है, जब हमारा जो मिशन था वो कमीशन में बदल गया, हमारे जिसे हम अपना रहबर और नेता मान देते वो लोग दलाली घुसखोरी में लग गए। आप नौजवान यहाँ पर सब लोग जो आप कह रहे हैं चंद्रशेखर भाई के साथ हैं, आप देवबंद से हैं, देवबंद के बारे में काफ़ी कुछ बोला जाता है, ख़ासकर कि आज जो सरकारें बनी हैं देवबंद, क्योंकि मुस्लिम बहुल भी है और इस तरह की मतलब वहाँ पर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मदरसा भी है, तो बड़े आसानी से उसके बारे में काफ़ी कुछ बोला जाता है। देवबंद से आप आते हैं, वहाँ पर आज भीम आर्मी का अगर मैं पूछूँ, क्या आज भी वही धारणा है कि ये तो भाई दलित संगठन है, या आज ये धारणा है कि नहीं ये हर शोषित की बात करती है? नहीं, आज वो धारणा बदल चुकी है, क्योंकि आज हमारे साथ कश्यप समाज, सैनी समाज, गुज्जर समाज और जो OBC समाज है, लगभग थोड़ा थोड़ा करके सभी जुड़ता जा रहा है। ऐसी धारणा खत्म हो चुकी है, क्योंकि जब लगा OBC समाज को, प्रजापति समाज को, जब हम उनके लिए खड़े हुए उनके दुखों में खड़े हुए, तो उन्हें लगन लगा कि नहीं, ये संगठन सबके लिए काम कर रहा है। आज देवबंद वो बात नहीं रही जो पहले थी, लेकिन आज तो बहुजन समाज का संगठन बन चुका है। मुस्लिम समाज तो टोटली हमारे साथ आ गया। अभी पीछे से एक प्रजापति समाज में एक लड़का मार दिया था, और यहाँ पर हमारे टीम ने जाकर उसे न्याय दिलाने का काम किया, तो प्रजापति भी आए, फिर सहनी समाज भी आया, कश्यप समाज भी आया, गुज्जर समाज ऑलरेडी भाई के साथ लग चुका था, तो उसके साथ साथ देवबंद का भी लग गया। मीरकपुर के गुज्जर हमारे जिला प्रभारी भी आए फिलहाल के टाइम पर, नहीं तो अन्यथा जो भी वहाँ पर है कम्युनिटी SC ST OBC और माइनॉरिटी, सब लोग इस संगठन को मानने हैं और इस संगठन का लोहा भी मानने हैं। अभी हमने बाबा साहब की जयंती जो निकाली है उसमें तमाम कम्युनिटी के लोग हमारे साथ थे, हर तरह से तन मन धन उन लोगों ने सब ने साथ दिया, ऐसा नहीं है। आप शब्बीरपुर के उस गांव जहां पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, और उसके बाद जो भीम आर्मी का आंदोलन था, उसके बाद भीम आर्मी की शब्बीरपुर में आप आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं तो आप इंचार्ज भी थे भीम आर्मी की तरफ से, और आपका तो एक बड़ा गहरा रिश्ता बन गया था शब्बीरपुर गाँव के साथ, तो क्या अभी भी वहाँ जाना होता है उस गांव में, अभी भी क्या वहाँ पर अब क्या स्थितियाँ हैं? वहाँ पर स्थिति नॉर्मल है, सब ठीक है, कोई अभी वो जो एक बस एक समय था जो हुआ था, लेकिन अब स्थिति नॉर्मल है, और शब्बीरपुर के लोग हमारे साथ भीमार में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, और लगभग आधा ही गाँव हमारा है, कुछ चंद लोग है जो पैसे के वही बने। अभी कहा था जब मिशन कमीशन में बदल जाता है तो इन नौजवानों को खड़ा होना पड़ता है, लेकिन आज भी नौजवान जो है भीमार में के साथ वहाँ से। आपका नाम? प्रदीप हिंडोलिया।
प्रदीप जी कहाँ से हैं आप? मध्य प्रदेश जिला भिंड से। बताइए, मध्य प्रदेश से आप आए हुए हैं यहाँ पर हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश, आप लोगों की तो बोली इतनी अलग है, भाषा अलग है, खान पान अलग है, कैसे हैं, कितनी देर से हैं यहाँ पर? 2 महीने हो गए मुझे। क्यों यहाँ पर आए हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश? हैं भाई के लिए, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए। क्यों भाई चंद्रशेखर इतने पसंद है कि आप मध्य प्रदेश से यहाँ तक आए, 2 महीने घर बार छोड़ के आए हुए हैं? 2 महीने उनका जो कार्यशैली है वो हमें पसंद आता है और मैं कई सालों से उनसे जुड़ा हूँ और जहाँ 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 उनके बड़े बड़े आंदोलन धरना प्रतिनिधि उनमें भाग लिया मैंने और यहाँ नवीना लोकसभा सीट से लड़ रहे तो मध्य प्रदेश से हमारी टीम आई हुई है यहाँ लगभग 2 महीने से रुकी है। मध्य प्रदेश से टीम आई हुई है और कितने लोग लाए हो आप? बहुत सारे लोग हैं, लोकसभा में जितने विधानसभा हैं वो सभी में हैं। अरे भाई साहब, तो मध्य प्रदेश से कितने लोग आए हैं? करीबन 100-150 लोग। अरे 100-150 लोग नगीना में मध्य प्रदेश के ही हैं जी। अरे बताओ, तो ये बताओ कि फिर अभी मध्य प्रदेश में भीम आर्मी की क्या स्थिति है या आज़ाद समाज पार्टी के आप लोग नौजवान वहाँ पर भी उसका कुछ विस्तार कर पाए हैं? क्योंकि वहाँ तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वहाँ तो भाई भाजपा का पता नहीं कितने सालों से कितना मजबूत गढ़ बन चुका है मध्य प्रदेश, मतलब यूपी से भी पहले जी। वो तो 12 फरवरी का जो आंदोलन हुआ था भोपाल में वो दिखाई दिया था और आप सभी मीडिया, बहुजन मीडिया हमारी है, वो सब ने दिखाया था बहुत अच्छे से। जो भाजपा का वहाँ सार अब कोई नामो निशान नहीं है। अच्छा जी, नामो निशान नहीं है तो फिर से चुनाव जीत गए आप? कैसे कह रहे हो नामो निशान नहीं है? जीत गए वो, उनका गलत तरीका, घोटालेबाजी, सारी चीज़ें इतने समय से वो करते आ रहे हैं, भाजपा गलत तरीके से जीत रही है। चलो आप ये बताओ कि आप भीम आर्मी से क्यों जुड़े, कब जुड़े, क्यों आकर्षित हुए? आप कह रहे हो भाई के लिए आए हो, क्यों उनकी तरफ आपको लगा कि इधर आना चाहिए? वो गरीब मजदूरों और बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते हैं और हरदम हर समाज के लिए खड़े रहते हैं, इसीलिए उनसे प्रभावित होकर हम सब और मेरे साथ कई लोग मेरे द्वारा भी आए भीम आर्मी। चलिए, भीम आर्मी के मध्य प्रदेश से भी लोग आए, यही मैं कह रहा हूँ कि जहाँ एक बार एक तरफ धन बल का प्रयोग आ रहा है वहीं दूसरी तरफ आम जनता भी चुनाव लड़वा रही है आज के दौर में। जी आपका नाम कहाँ से हैं आप? जी मेरा नाम विशाल, मैं सहारनपुर से आया हूँ। आप भी सहारनपुर से आए हैं जी, बताइए सहारनपुर से नगीना क्यों आए और कब से हैं यहाँ? देखिए मैं कम से कम 1 मंथ हो गया यहीं पर हूँ, भाई कमल सिंह वाली जी के साथ हूँ और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है वो हर जाति हो, किसी भी जाति की हो, अगर किसी के साथ भी अत्याचार होगा वो हर एक की लड़ाई लड़ते हैं। और रही मैं दूसरी पार्टियों से बताना चाहता हूँ, जो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को बोलते हैं कि हमारी वोट काट रहे ये है, हम तो किसी की वोट काटने नहीं आए हैं, हम तो साहब काशीराम जी का मिशन आगे बढ़ाने के लिए आए हैं और इसलिए ही हमें पार्टी बनाई। साहब काशीराम जी का मिशन है और बाबा साहब का मूवमेंट है वो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी आगे बढ़ा रहे हैं और जितना अदर पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी कार्य करते हैं, करते भी नहीं है, इतना तो हमारा एक बूथ अध्यक्ष काम कर देता है, वो ना देखता है ना रात के 12 बज रहे हैं या 2 बज रहे हैं, वो हर टाइम पब्लिक में खड़ा रहता है। अच्छा आप लोग को पैसे मिल रहे हैं ये प्रचार करने के लिए? देखिए हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है, बल्कि जितने हमारे पास 10 रुपये है 20 रुपये हम बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को दे रहे हैं। तो अभी आप भाजपा या किसी और के लिए कर रहे हो तो दिन के 350 रुपये मिल रहे होते हैं, आप यहाँ पैसे खर्च रहे हो, क्या कर रहे हो आप यहाँ? देखिए हमारी जो आत्मसम्मान है, बड़े भाई जो हमारी माँ बहन है उनकी जो भी शोषण होता है वो लड़ते हैं, तो हमारा अगर 100 रुपये भी चले गए तो हमें से कोई दिक्कत नहीं है। जो बहुजन मूवमेंट की बात करेगा उसके लिए लड़ेगा, हम उसके लिए जान भी दे देंगे, पैसा तो कोई बड़ी बात नहीं। चलिए यहाँ भी लोगों से बात करते हैं, कहाँ से हैं भाई साहब? हाँ जी कहाँ से हैं? सहारनपुर। सहारनपुर से, क्या नाम है? गोविंद। गोविंद जी, जी क्या करते हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो फिर कितनी देर से यहाँ पर हैं? मैं यहाँ से शुरू से आता जाता रहा हूँ, बीच बीच में आता हूँ, घर चला जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ, शुरू से ही तो जब से अलग सुनों का दौर चल रहा है, छुट्टी लेता हूँ आ जाता हूँ, 4-5 दिन की छुट्टी लगाता हूँ आ जाता हूँ। तो प्राइवेट जॉब से तो नौकरी से निकाल देंगे आपको? ऐसे निकाल देंगे, कोई जरूरत नहीं, फिर मिल जाएगी प्राइवेट जॉब बहुत। अच्छा जी, प्राइवेट जॉब एक यहाँ तो रोना मचा हुआ है कि रोजगार नहीं मिला मोदी सरकार में, आप कह रहे हो प्राइवेट जॉब बहुत है? वो अथॉरिटी होना चाहिए ना कि जॉब ले ले प्राइवेट अपने अंदर। अच्छा चलिए, क्यों आप बार बार छुट्टी लेकर आ रहे हैं? भाई के लिए आ रहे हैं, भाई को मजबूत करना चाहते हैं इसलिए आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ। ताकि भाई अब अपने हाथों को और कंधों को मजबूत कर लें। अच्छा। और हमारे लिए लड़े। जी आपका नाम?
मेरा नाम अजय पालीवाल। हाँ जी, अजय पालीवाल। अजय जी, आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरनगर से रहने वाला हूँ। मुजफ्फरनगर, प्रॉपर मुजफ्फरनगर या जिला? विधानसभा चरथावल। विधानसभा चरथावल जी। ठीक है, कब से हैं यहाँ पर आप? मैं डेढ़ महीने से हूँ। डेढ़ महीने से? तो मुजफ्फरनगर छोड़ के यहाँ क्यों आए हुए हैं डेढ़ महीने से? देखो, जिसने आज हमारे समाज को बोलना और चलना सिखाया है, मतलब कभी हमको लगता था कि चार आदमी के सामने खड़े होकर हम बोल नहीं सकते थे, लेकिन आज एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इतना कुछ सिखा दिया है कि आज अगर हम 100 लोगों के, 200 के, 1000 के लोगों के बीच में भी अगर बोलेंगे तो वहाँ भी हम खड़े होकर बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। जैसे गांव में कभी पुलिस आती थी तो हम बच्चे लड़के वगैरह डर के अंदर घुस जाते थे, लेकिन आज हमारे अंदर इतनी ताकत आ चुकी है कि अगर हमें डीएम से बात करनी पड़ेगी तो हम डायरेक्ट जाकर डीएम से बात कर लेते हैं। इसलिए आज चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हमें इतनी ताकत दी है अपने बहुजन समाज की आवाज़ उठाने के लिए, तो इसलिए हम आज नगीना के अंदर पहुँचे हैं। पैसे भी मिलते हैं आपको यहाँ प्रचार? पैसों की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार बैठे हैं, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो भाजपा तो आपको पैसे देती है, आप रोज़ प्रचार करते हो उनके लिए? भाजपा अगर हमें चंद्रशेखर भाजपा अगर हमें 1,00,000 रुपये प्रतिदिन भी देगी जब भी हम भाजपा के लिए नहीं जाएंगे। अच्छा जी, चलिए, ये एक जज्बा है, लोगों को लगता है कि सब एक तरफ बह गए हैं देश में, लेकिन ज़मीन पर उतरेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे तो आप देखेंगे बहुत अलग अलग किस्म की प्रतिरोध भी हो रहे हैं ज़मीन पर इसी सरकार के खिलाफ। जी, आपका नाम? मोहित। मोहित, मोहित जी। कहाँ से हो मोहित? मुजफ्फरनगर। आप भी मुजफ्फरनगर से हैं, बताइए, मध्य प्रदेश, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कुछ छोड़ा है आप लोगों ने? जी नहीं। महाराष्ट्र, कर्नाटका, बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, सब जगह से आए प्रचार करने के लिए। ठीक है, ठीक है, बताओ कहाँ कहाँ से आए हो? सहारनपुर से। सहारनपुर से आए जी। कितनी देर से हो? इसी हफ्ते से आए हैं। इसी हफ्ते पहले भी आए थे, फिर घर चले गए थे कुछ काम के लिए। ठीक है जी। क्या लग रहा है यहाँ पर अभी, क्या माहौल बना हुआ है चंद्रशेखर के लिए? माहौल तो यहाँ देखो 90% भाई चंद्रशेखर का है, केतली का है। जैसे जनसंपर्क कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, तो सबके मुख से केवल एक ही आवाज़ निकलती है, या कोई भी पार्टी का आ जाए, हम तो केवल सिर्फ और सिर्फ भाई चंद्रशेखर को ही वोट देंगे। ये बड़ी बात है, और मेरे हिसाब से चुनाव के नतीजे जो भी हों, लेकिन एक लोकतंत्र तभी जिंदा होता है जब चुनावी प्रक्रिया में या राजनीतिक प्रक्रिया में, जो कि चुनाव से भी आगे जाती है, उसमें आम जनमानस, खासकर कि नौजवान जुड़े हों, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, पुरुष हो, महिला हो। और जहाँ एक तरफ कुछ लोग मायूस हो जाते हैं ये देख कर कि आज तो सिर्फ धन बल की ही बात होती है राजनीति में, लेकिन ज़मीन पर उतरें तो देखें कि कई किस्म के संघर्ष हो रहे हैं नगीना में भी, और नगीना के अलावा भी कई जगह, जहाँ पर नौजवान बहुत अपनी मर्जी से अपने तरीके की एक राजनीति को मजबूत करने सामने आ रहे हैं। ऐसी खबरें आप तक CCA ज़रूर लेकर आता रहेगा, जुड़े रहें हमारे साथ। शुक्रिया।